बस yes, सबसे बड़ी चीज़ की मैंने सीखा बहुत कुछ जिस मकसद से मैं गई थी और बहुत बड़े बड़े लोगों से सीखा बहुत सारी चीज़ें अपने साथी लोगों से सीखी और बस बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो परेशानियाँ भी आई होंगी एक्चुअली कोई भी सफ़र कैसा भी सफ़र होता है वो बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह होता है जैसे कि उसमें कई उतार चढ़ाव आते ही आते हैं जो कि पार्ट होता है मेरे से जिंदगी और जो होना भी चाहिए क्योंकि जब तक इंसान नीचे के 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 लिए कुछ की भाई कंपटीशन में जाने के पहले क्या तैयारियां करनी है क्या, क्या क्या, दिक्कत परेशानियों वो सामना करना पड़ता है और दो चार अपने सॉन्ग अपने मन पसंद का काम नहीं करते और जब मैंने फील्ड ही अपने पसंद की चुनी है जो म्यूजिक है तो दिक्कत परेशानियां भी मेरे लिए एक सीख के तौर पर आती है और सबसे मेन चीज़ ज़िंदगी में चाहे कितने भी आप आगे क्यों ना बढ़ जाओ सीखना बंद नहीं करना चाहिए तो जैसे जैसे मैं लेवल अप जाती गई और पहला गाना जब ऑडिशंस में गई थी तो हज़ारों की लाइन थी लाखों लोग थे वहाँ और तब कभी सोचा नहीं था कि आ, इस कंपटीशन में सिलेक्ट भी हो जाऊँगी और आगे भी बढ़ जाऊँगी और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि विनर बन जाऊँगी तो ये पूरा सफ़र बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और बहुत ही कुछ सीखने को मिला मुझे और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो सपना है एक बहुत बड़ी प्लेबैक सिंगर बनने का उस सपने की ओर ये मेरा पहला कदम था और मेरी मेहनत यहाँ ख़त्म नहीं होती है यहाँ से शुरू होती है और बस मैं और रियाज और मेहनत और करती रहूँगी ताकि मैं अपने सपने की तरफ और बढ़ सकूँ ये कॉमन सब लोगों के लिए होता है लेकिन मेरे लिए थोड़ा अलग रहा है क्योंकि मैंने बचपन से मेरी माँ से सबसे पहले मेरी पहली गुरु मेरी माँ रही है लोगों के लिए पहली गुरु माँ इसलिए रहती है कि चलना सिखाया माँ ने लेकिन मेरे को मेरे गाने की तरफ रुझान भी मेरी मम्मा ने दिलाया और मेरी माँ ही मेरी पहली गुरु रही उसके बाद मैंने बाल भवन जो हमारे जबलपुर का संभागीय बाल भवन, बाल भवन है वहाँ पर डॉक्टर शिप्रा सोलेरे मैम से सीखना शुरू किया और उसके बाद मैं प्रकाश वेरुलकर सर से क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग लेना शुरू किया था और अभी भी शिप्रा मैम और प्रकाश सर दोनों से सीखती हूँ पहला ऑडिशन जब हमारा हुआ था जब पहली बार जजेज और जूरी के सामने मैंने गाया था तो काहे छेड़ छेड़ मोहे जो कि देवदास मूवी का गाना है उस गाने पर मेरा सिलेक्शन हुआ था और लकीली उसमें मुझे हंड्रेड परसेंट पार्क्स जूरी पैनल की तरह काहे छेड़ छेड़ मोहे घर लगाए काहे छेड़ छेड़ मोहे लगाए काहे छेड़ छेड़ मोहे जिस गाने के बदौलत मैं फ़िनाले में प्रवेश कर पाई जिस गाने के बदौलत में फ़िनाले तक पहुंच पाई तो वो गाना आप सभी को सुनाना चाहूँगी हो रूहानी कहीं ना वो चेहरा नूरानी कहीं कहीं दिल वाली बात भी ना ना वो सजरी जवानी कहीं जग आ थारी जैसा ना कोई ओ मन वाला गे लागे रे सावरे लागे रे, ला रे सावरे तेरा हुआ जिया कजिया कजिया कही दावरे मन वाला गे मैंने जिया क जिया क जिया कही दावरे मुसाफिर हूँ दूर की दीवानी क्लासिकल बेस जब स्ट्रांग होता है तब सफलता सुनिश्चित हो जाती है ना और इसमें तो इस तो इस गलती लोगों की ही है सबसे ज्यादा व्यूज अगर किसी भी सोशल मीडिया पे कोई भी रिमिक्स गाने का डाला जाता है तो सबसे ज्यादा व्यूज ओरिजिनल से ज्यादा लोग नए वाले गाने को देते हैं रिमिक्स को देते हैं तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि लोग हमेशा उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं और अगर जो चीज़ आ, लोग पसंद करेंगे वही वहाँ के लोग परोसेंगे वही मुंबई परोसेगा वही बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स बनाएंगे तो इसमें गलती आ, मुंबई वालों की या म्यूज़िक डायरेक्टर्स की नहीं होती या ऐसा नहीं है कि वो म्यूज़िक डायरेक्टर्स को आता नहीं है कुछ बनाते उनकी कई सारी चीज़ें बनी हुई रखी होती है जो उनका असली टैलेंट होता है जो जो म्यूज़िक कंपनी से रिजेक्ट हो जाता है कि ये चीज़ हिट नहीं हो सकती या ये चीज़ आ, लोगों को पसंद नहीं आएगी सिर्फ ये कहकर कितने गाने कितने मेलोडीज गाने कितने अच्छे गाने रिजेक्ट हो जाते हैं तो जैसा पब्लिक पसंद करेगी वैसे ही हम कलाकारों को करना पड़ेगा वैसे ही हमें परोसना पड़ेगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि आजकल के समय में बहुत अच्छे गाने जैसे पुराने ज़माने में आया करते थे वैसे नहीं आते वैसे भी आते हैं पर लोगों को पता ही नहीं होता कि वैसा गाना कोई आया तो ये इसमें मुंबई वालों की या बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स की कोई गलती नहीं इसमें लोगों के टेस्ट की गलती है कि लोग पसंद उस चीज को ज्यादा करते हैं तो आजकल की युवा वर्ग क्या रीमिक्स ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जी बिल्कुल सच बात है युवा वर्ग को रीमिक्स ही पसंद आ रहा है तो इसीलिए रीमिक्स परोसा जा रहा है और सब लोग रीमिक्स चाह रहे हैं प्लेबैक सिंगिंग में जो युवा आने वाले हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं एक्चुअली uh, उन युवाओं में से ही मैं भी एक हूँ क्योंकि प्लेबैक सिंगिंग सारे गाँव और रियलिटी शो से एक अलग ही स्टेज होता है वो एक अलग ही प्लेटफॉर्म होता है और बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको ये मौका ये सौभाग्य मिलता है कि वो प्लेबैक सिंगिंग करे क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है और बहुत मेहनत बहुत स्ट्रगल और बहुत रियाज के बाद ये मौका मिलता है और हर किसी को नहीं मिलता ये मौका पर मैं बस एक ही चीज़ सभी से कहना चाहूँगी क्योंकि मैं अभी खुद भी छोटी हूँ इतनी बड़ी नहीं हूँ कि सभी को उपदेश दूँ या संदेश दूँ बस आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि सपने देखना कभी बंद नहीं करना चाहिए मैंने भी कभी सपने मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि मैं सारे गा में जाऊँगी या इतने बड़े शो की विनर बन जाऊँगी पर एक सपना था मेरा कि हाँ मुझे संगीत में आगे बढ़ना है संगीत को संगीत से अपनी पहचान बनानी है और आज मुझे लगता है कि मुझे संगीत ने ही वो पहचान दिलाई है तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि सपने अगर आप देखते हैं तभी उन्हें पूरा करने के लिए एक प्रयास आगे बढ़ाते हैं तो सपने देखना बहुत ज़रूरी होता है ये बिल्कुल सही बात है कि जब इंसान सपने देखता है तो लोग उसका मजाक ज़रूर उड़ाते हैं और जिस व्यक्ति का मजाक उड़ाया जाता है कि अरे इतनी बड़ी चीज़ तुमने सोची इतना बड़ा सपना ये सारी चीज़ें सिर्फ सपने में हो सकती है वही लोग सफल हो पाते हैं सारी गमापा में जाने के पहले आपने कितनी बार कंपटीशन को फेस किया किए? एक एक नाम अगर गिनाने बैठ गई तो सुबह हो जाएगी इतने फेलर्स देखे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हर आर्टिस्ट को देखने ही पड़ते हैं क्योंकि कहावत है ना कि अगर शेर एक कदम पीछे लेता है तो दुगनी तेजी से आगे भी बढ़ता है तो हमेशा भगवान पर विश्वास रखना अपने आप पर विश्वास रखना अपनी कला पर विश्वास रखना मैंने अपने पेरेंट्स से अपनी मम्मी से सीखा है और जितनी भी बार मैं हारी हूँ उस हर एक, एक हार का मैंने कभी भी अपने आप को सोच कर डिप्रेस नहीं किया बल्कि उसको अपना कॉन्फिडेंस बनाया ताकि उस हार से सीख कर मैं आगे बढ़ सकूँ तो हार ही एक वो बहुत बड़ी चीज होती है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है नई फिल्में आ रही हैं इसका कुछ नया <laughs>